हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। और बच्चों देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों कहा जा रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ये कुछ फ्रैक्शन हमें दिए गए हैं बच्चों, और ये फ्रैक्शन कौन से हैं? रेशनल नंबर। इनका बताना है डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। दो ही चीजों में से एक होगा। क्यों? क्योंकि सभी रेशनल नंबर हैं। तो रेशनल नंबर में क्या होता है, जो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर ये मान लो नंबर है, तो कौन कौन से दो तरह के होते हैं? या तो फिर वो टर्मिनेटिंग होगा। कौन सा? टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्यों? क्योंकि ये सब रेशनल नंबर हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में है। तो P अपॉन Q के फॉर्म में है तो या तो यह पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो उसे टर्मिनेटिंग कहेंगे। अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है और रिपीट होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो ऐसे नंबर दो ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा या फिर रिपीट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये रेशनल नंबर है। ठीक, तो आओ करके दिखाता हूं। एक पहला पार्ट है हमारा, जो सोल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का, कैसे करेंगे। जैसे 36 क्या है, 36 अपॉन 100। आप लोगों को अगर डिवाइसबिलिटी पता हो, नहीं पता है तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा। जब कभी नीचे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, जितने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं यहाँ 1 हो, तो ऊपर क्या करते हैं, जितने जीरो हैं उतने नंबर बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो वो डिवाइड हो जाता है। डेसिमल एक्सपेंशन ये पूरा डिवाइड होगा। अगर ये चीज नहीं पता है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 36 को 100 से। तो पहले तो कम है तो जीरो लगा के पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ेगा। आप 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या 100 3 जा 300, आप माइनस कर दोगे तो क्या आएगा 300 में 60, तो 60 बचेगा, फिर एक जीरो, तो 106 जा 600। आप ऐसे कर सकते हो, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। तो अगर ये कुछ ही बच्चों को हो, शायद 100 की डिवाइसबिलिटी ना पता हो, नहीं तो पता होगा नाइन्थ में आके, ये तो पता होना ही चाहिए। याद रखिएगा, अगर यहाँ 10 होता तो एक नंबर बाद पॉइंट होता, अगर 100 है तो दो नंबर बाद, 1000 है तो तीन नंबर बाद, जितने जीरो होंगे उतने बाद पॉइंट लगेगा। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है हमारा, टर्मिनेटिंग है। कौन सा है? टर्मिनेटिंग। ये चीज याद रखिएगा, अगर पूरा पूरा डिवाइड होता है तो वो क्या होगा हमारा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, समझ गए होंगे, क्योंकि ये सब रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में दो ही कंडीशन होती है, या फिर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक, तो हमारा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है वो देख लीजिए। सेकंड पार्ट है 1/11। आप इसमें तो ऐसी कोई चीज है नहीं, लेकिन इसको कैसे करेंगे, इसे 1 को 11 से हमें डिवाइड करना है, तो जीरो लगा पॉइंट लगाओगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। अब बी कम है 11 से तो एक जीरो ऊपर बढ़ाओगे, एक नीचे बढ़ाओगे। जिनको डिवाइड भी नहीं आता वो भी, वो लोग भी सीख लें, जब ये एक पॉइंट लगाने पे एक जीरो बढ़ेगा, फिर भी अगर कम होता है तो एक जीरो ऊपर बढ़ाएंगे, एक नीचे बढ़ाएंगे। अब 11 9 जा 99, रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 1। ठीक, अब फिर से एक जीरो बढ़ाएंगे, अभी कम है तो एक जीरो ऊपर बढ़ेगा, एक नीचे बढ़ेगा, 11 9 जा 99।
फिर से वही चीज रिमाइंडर वन आ गया। अब जब रिमाइंडर वन आ गया फिर से वही ये डिजिट क्या देखो हो रहा है, रिपीट होने लगे ना, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा। इसको हम जब कोई डिजिट रिपीट होने लगता है, जैसे वही 0.9 पॉइंट के बाद 09 फिर 09 फिर 09 ऐसे आएगा, तो हम लोग उसको ऐसे लिख देंगे, जिस जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 0.09। अब ये क्या है, ये पूरा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये रिपीट कर रहा है, इसलिए डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा है किंतु क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, और देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। दो ही चीजें याद रखना है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, क्योंकि सभी रेशनल नंबर का फॉर्म दिया गया है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक पार्ट और करके दिखा रहा हूं, थर्ड क्या, फोर होल वन अपॉन एट। तो इसको कैसे लिखेंगे, 8 4 32 133 अपॉन 8। अब इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डेसिमल एक्सपेंशन देखिएगा, 8 तो 8 4 32 बचा गया 1, पॉइंट लगाया एक जीरो बढ़ गया, तो 8 1 8 रिमाइंडर क्या बचा, 2 फिर 1 0, ठीक, फिर कितने बार जाएगा, 8 2 16, फिर रिमाइंडर कितना बचा, 4, तो क्या आ जाएगा, 8 5 40। ये डेसिमल एक्सपेंशन, ये भी क्या हुआ, पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, 0.125 डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग है, कौन सा है, टर्मिनेटिंग। ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है, क्यों, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया, फोर्थ पार्ट करते हैं, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है बच्चों, 3/13। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर भी करिए, तो उन्हें भी प्रॉफिट हो। देखिएगा 3/13। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा देखिएगा, आओ दिखाते हैं। अब 13 से डिवाइड करना है, तो ये एक चीज याद रखिएगा, ये हमारा क्या होता है, डिविडेंड होता है और ये डिवाइजर होता है, ठीक। अब ये डिविडेंड कम है तो जीरो लगा के पॉइंट लगाइए, एक जीरो बढ़ जाएगा, अब एक जीरो बढ़ गया, अब कितने टाइम्स जाएगा, 2 times, 13 2 26 माइनस कर दिया, कितना बचा, 4, अब फिर एक जीरो बढ़ेगा, पॉइंट लगाने के बाद हर स्टेप में एक जीरो बढ़ता है, ये चीज याद रखिएगा। 13 3 39 माइनस किया, 1 आ गया, ठीक। अब पॉइंट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट तो लगा है, एक जीरो बढ़ेगा, ठीक। अब देखो अभी कम है, क्या है, कम है, तो कम है तो क्या करेंगे, एक जीरो ऊपर बढ़ाएंगे और एक जीरो यहां पर, तो 13 7 जा कितना होता है, 91। 13 7 जा 91 माइनस कर दिया तो क्या आया, 9।
क्या आया, नाइट आ गया। अब फिर एक जीरो बढ़ेगा, फिर एक जीरो बढ़ेगा तो क्या होगा, देखिए 13 का टेबल आना चाहिए हमें, और टेबल अगर नहीं आता तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो 7 ये उतना हुआ, और तो 7 91 होता है। अब 6 बार जाएगा 78 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 78। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 10 10 में 8 2 बचेगा, यहाँ 8 में 1 7 1 बचा। अब फिर से एक जीरो बढ़ेगा तो 13 9 क्या होगा, 13 9 हो जाएगा 117। अब माइनस करेंगे तो 3 आएगा, ठीक। फिर एक जीरो बढ़ा दिया 13 2 क्या आ जाएगा, 13 2 26। देखो रिमाइंडर वही आ गया, रिमाइंडर जो हमारा क्या था, डिविडेंड था, वही रिमाइंडर आ गया। तो इसका मतलब कि अब डिजिट रिपीट होने लगेगा, जब डिविडेंड हमारा आ जाए वही रिमाइंडर में तो उसके बाद नहीं करना, क्योंकि अब डिजिट रिपीट करेगा। इसलिए इसको लिख देंगे 0.230769। जब जो हमारा डिविडेंड होता है वही रिमाइंडर में आ जाए तो उसके बाद करने की जरूरत नहीं है, बच्चों याद रखिएगा। इसका मतलब है कि फिर से वही डिजिट रिपीट होना चालू हो जाएगा, तो इसके ऊपर आप बार लगा दोगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये क्या लिखेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा। ये हमारा फोर्थ पार्ट भी बच्चों कंप्लीट हुआ। अब बचा हमारे पास फिफ्थ पार्ट, क्या बचा, फिफ्थ पार्ट में हमारा क्या है, फिफ्थ पार्ट जो है 2/11, क्या है 2/11। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा, तो देखिएगा ये डिविडेंड है हमारा, डिवाइजर क्या है 11, तो जीरो लगाए पॉइंट लगाइए, 11 2 22 ज्यादा हो जाएगा, 11 1 11 माइनस किया 9, फिर एक जीरो, 11 8 88 रिमाइंडर क्या बचा 2। अब देखिए जो हमारा डिविडेंड है, जो न्यूमरेटर यहां दिख रहा है वही रिमाइंडर में आ गया, तो इसका मतलब अब रिपीट होना चालू हो जाएगा। जब कभी जो हमारा यहाँ ऊपर न्यूमरेटर होगा वही रिमाइंडर बचता है, तो उसके बाद आपको डिवाइड नहीं करना है, क्यों, क्योंकि वो डिजिट अब फिर से वही रिपीट होगा, इसलिए टाइम बर्बाद नहीं करना है। क्या आ जाएगा 0.18, क्या हो गया, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसके ऊपर बार लगा दीजिए, क्या आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये हमारा फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आप बचा बच्चों सिक्स्थ पार्ट, तो सिक्स्थ पार्ट आप लोगों को करना है और करके इसका आंसर सेंड करना है, आप लोगों को कमेंट में बताइएगा हमें इसका आंसर क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग, ठीक बच्चों। तो ये सिचुएशंस इसमें है, फिर से बता रहा हूं ये सभी क्या है, रेशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, यहाँ क्यू की वैल्यू का डिनोमिनेटर 0 नहीं है, पी अपॉन क्यू का फॉर्म है, सारे रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग होगा। दो ही सिचुएशन है, आपको ये सिक्स पार्ट करके दिखाना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो लाइक कर दीजिए, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।